तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप किस तरीके से अपने फेसबुक आईडी को जो है सिक्योर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे जो है बहुत सारा कमेंट आने लगा है दोस्तों, और बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ने मुझे कमेंट भी किया हुआ है कि अपना उनका जो है फ्री फायर का या फिर पबजी का आईडी जो है वो हैक हो जाता है बार बार। ठीक है, तो आपको जो है कि इस चीज़ को किस तरीके से फिक्स करना है इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा आप फेसबुक को किस तरीके से टोटली सिक्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिया, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ अब किस तरीके से अपना जो है फेसबुक अकाउंट को टोटली 100% उसे सिक्योर कर पाएंगे ताकि कोई उसे हैक ना कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो भी फेसबुक आईडी पे अपने लॉगिन हो चुके हैं उसे ओपन कर लें, वरना उसे दोबारा लॉगिन करके आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखेगा इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे जाना है, आपका जो सेटिंग होगा मोबाइल पर उसे सिलेक्ट करना है वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेटिंग ऑप्शन है, सेकंड एंड सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इसे जो है यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको सेटिंग वाला ऑप्शन है इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है आपका सेटिंग जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा टोटली। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, अगर आपका आईडी हैक हुआ है तो आपको सबसे पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर मिलेगा, तो इसे जो है आपको यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर जितने भी मोबाइल्स नंबर होंगे, ठीक है, अगर आपका है तो उसे रहने दें, अगर और किसी का है तो उसे जो है आपको रिमूव कर देना है। तो आपको यहाँ से सारा नंबर रिमूव कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एक नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको रिमूव वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेक श्योर दोस्तों कि आप लोगों ने अपना नंबर ऐड किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं ऐड होगा तो आपको जो है ओटीपी नहीं आएगा, फिर जो आपका आईडी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐड नंबर के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, तो आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अब जैसे ही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आपके पास एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर एंटर करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका जो है नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेरा ये नंबर ऑलरेडी ऐड है तो मुझे यहाँ पर ऐड के लिए नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको करना कि आपको और जितना भी यहाँ पर नंबर या फिर ईमेल आईडी दिखेगा आपको सभी को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपको सिंपल से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर सिक्योरिटी लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके आगे कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं होयर योर लॉग्ड इन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका जो फेसबुक है कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, तो आपको जो सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस में लॉगिन होगा आपको यहाँ शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको लॉग आउट फ्रॉम ऑल सीजन पे क्लिक कर देना है। आपका जितने भी डिवाइसेस में लॉगिन होगा वो सारा जो है वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब मेरा जो है अभी इस फेसबुक ऐप पे एक्टिव है तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इतना करने के बाद आपको सिंपल सा जो है चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, और आपका पासवर्ड जो है इंस्टेंटली आपको चेंज करना है तभी का तभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ आने के बाद आपको जो है अपना करेंट पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा, फिर उसके बाद जो है आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा, और फिर से जो है कन्फर्मेशन उसे न्यू पासवर्ड एंटर कर देना है। करने के बाद आपको जो है सेव चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद फिर जो है न्यू पासवर्ड डालता हूँ, फिर कन्फर्म करता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके आगे आ जाएगा स्टे लॉगिन। ठीक है, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो है नीचे आ जाना है। सिंपली नीचे आने के बाद आपको जो है फिर से जो है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर जितना भी एक्टिविटी है देख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर पोस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है इसे सब एवरीवन पे है, तो आप जिसे इसे जो है सिर्फ ओनली मी या फिर ओनली फ्रेंड्स पे कर सकते हैं, ताकि आपका जितना भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ जो है आप या आपके दोस्त, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ ओनली मी पे रखें,
क्योंकि इससे जो है आपका अकाउंट बहुत ही सिक्योर हो जाता है, सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने मोबाइल पे कौन सा नंबर डाला है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको सिंपल सा करना क्या है, फिर से जो है आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटी लॉगिन पे आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर टू स्टेप जो है यहाँ पर देखते हैं, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन यहाँ पर है, तो आपको जो है उसे कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट कर दिया तो आपका जो है मोबाइल जो है फेसबुक 100% सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपका जो भी नंबर है यहाँ पर दिखाएगा तो आपको उस नंबर पर क्लिक कर देना है इस साइड पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जो है कंटिन्यू करना है, तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो है आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। कर लेने के बाद इससे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई किसी और डिवाइस पे आपका जो है लॉगिन करता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिस आएगा। अब जब तक उसे परमिशन नहीं देंगे जो है वो दूसरे डिवाइस पे लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लॉग इनेबल हो चुका है, यहाँ पर लॉग का सिंबल आ चुका है, ठीक है। तो हमारा जो है इस तरीके से सारा कुछ लॉग यहाँ पर लग चुका है, तो अभी जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर जो है आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर टोटली सिक्योर हो जाएगा, और यहाँ पर आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफ ना ही करें, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका अकाउंट टोटली सिक्योर हो जाता है, और जो है कोई कितना भी चाहे इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका फेसबुक या फिर कह लो पबजी या फिर फ्री फायर का आईडी हैक नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इतना कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी हैक नहीं होगा, ठीक है। ये जो छोटे मोटे वगैरह हैकर वगैरह आपका यूज करते हैं हैक करने के लिए, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप इतना कर देते हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली बहुत सारे आईडी को इस तरीके से सिक्योर किया है जो हैक हो रहा था, और उसके बाद हैकिंग बंद हो गया, ठीक है। टोटल भी उनका दोबारा कोई एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो आप जो है इसी प्रकार से अपने आईडी को बहुत ही सिक्योर बना पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों मिलते हैं इस तरह की एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।